हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैंडम मोनो यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरस इफेक्ट जो आपको एंट्रैक में मिलता है उसे आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं वीडियोस में सारी चीज़ें बताता हूं आपको, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वही सवाल आते हैं जो मैंने वीडियोज़ में क्लियर हुए। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल करें, वीडियोज़ को ध्यान से देखें, जहाँ तक भी देखें ध्यान से देखें, एटलीस्ट आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं कोरस कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कोरस इफेक्ट है, ये कोरस बनाना नहीं हुआ। ठीक है, कोरस बनाना अलग होता है, इफेक्ट अलग होता है। इफेक्ट में सिर्फ वोकल को डबल कर दिया जाता है, यही होता है। और कोरस मतलब मल्टीपल वॉइसेस आप कह सकते हैं, और वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँगा कि कोरस कैसे बनाते हैं। चलें, तो अभी कोरस का इफेक्ट लोड करने के लिए आपने इफेक्ट ट्रैक में जाना है, नॉर्मली जैसे आप कुछ भी लोड करते हैं, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। और कोरस आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे आपको मिल जाता है कोरस। इस पर टैप करना है और आपके सामने कोरस का इफेक्ट लोड होके आ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। ये कॉमन कंट्रोल्स हैं, ऑन ऑफ, प्रीसेट्स, और यहाँ पे प्रीसेट सेव, प्रीसेट डिलीट, ठीक है, डिले टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, डेप्थ, वेट लेवल, ड्राई लेवल। ठीक है, जैसा कि वेट लेवल ड्राई लेवल मैंने बताया था, वेट इफेक्ट का वॉल्यूम होता है, ड्राई लेवल ओरिजिनल वॉइस का वॉल्यूम होता है। तो कहीं पे भी वेट और ड्राई का मसला आपको होता हो तो आप इतना समझ लें, वेट इफेक्ट का वॉल्यूम होता है और ड्राई ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब बाकी की चीज़ें हम देखते हैं। डिले टाइमिंग, ये जनरली मैंने कहा वोकल डबल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो डिले टाइमिंग वो टाइमिंग है जिसके बाद दूसरा वोकल आपको सुना देगा, ये बहुत ही कम होता है, और इस कम ड्यूरेशन के बाद एक दूसरी वॉइस आपको आती है जिससे आपको लगता है वोकल डबल हो चुके हैं या दो वॉइसेस हैं। ठीक है, तो इसे आप कम भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, इसे आप एज इको यूज कर सकते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली यहां पे डबलिंग में जो मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, ठीक है, जो मॉड्यूलेशन होता है उस मॉड्यूलेशन की आप कंट्रोलिंग यहां से कर पाएंगे। यह डेप्थ यानी मॉड्यूलेशन का ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कितने स्पीड पे चल रहा है। अभी आप सुनिए, मैं अगर टर्बन कर दूं तो ऑप्शन है इसको अगर मैं ज्यादा कर दूं तो वैसे मेरी वॉइस होती है तो वो ये बेसिकली मॉड्यूलेशन और यह फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितनी बार मॉड्यूलेशन होगा। डिले टाइमिंग दूसरे वोकल और ओरिजिनल वोकल के बीच जो गैप होता है, टाइम गैप, वो यहाँ से आप यूज़ कर पाएंगे। अब मैं ड्राई लेवल को बढ़ाता हूँ, अब आ सकते, ठीक है, इसे तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा अब ठीक है, अभी भी कोई डाउट है आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं और ऑडियो को लेकर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ पिछले चैप्टर्स को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।